हेलो दोस्तों, हम लोगों ने जो अपना पिछला लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने 1857 के क्रांति के बारे में चर्चा किया था, और वो हम लोगों ने आधा ही किया था। हम लोगों ने ये देखा था कि फरवरी 1857 में मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफ़ल को यूज करने से मना कर दिया था। वो इनफील्ड राइफ़ल को यूज करने से इसलिए मना किया था क्योंकि उसका जो कार्टेज था वो कार्टेज सुअर और गाय के चर्बी से मिलकर बना था। उनके बाद मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 के दिन उनके साथ टॉर्चर किया जाता है। उन टॉर्चर में मंगल पांडे एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है, उनके ऊपर गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दिया जाता है। फिर बात आती है कि जो और भी सारे सोल्जर होता है, जो इंडियन होता है लेकिन ब्रिटिश के अंडर काम कर रहा होता है, वह 24 अप्रैल 1857 को ये रिफ्यूज़ कर देता है कि इनफील्ड राइफ़ल का यूज हम लोग भी नहीं करेंगे। मंगल पांडे फांसी पे तो चढ़ जाता है लेकिन लोगों के लिए एक पैगाम छोड़ देता है। लोग अब जो है रिवाइवल हो जाते हैं, लोग अंग्रेज़ के विद्रोह करने लगते हैं, उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं। 24 अप्रैल 1857 को 90 लोग करीब इनफील्ड राइफ़ल को यूज करने से मना कर देता है, जिसमें 85 लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है और 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में चर्चा कर लिया है, ठीक है। जब 85 लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है और 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है, तो ये सारे लोग 9 मई 1857 को क्या करता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। उनके बाद 10 मई 1857 को ये सारे लोग मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं, दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर नियुक्त करते हैं, क्योंकि उस वक्त बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का बादशाह होता है, तो उसे अपना जो है लीडर चुनते हैं। और 13 अप्रैल 1857 को रिवोल्ट का, विद्रोह का आगाज़ कर दिया जाता है। इन विद्रोह में कई जगहों से कई बड़े बड़े लीडर होते हैं जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और उनके जो कमांडर होता है वो बख्त खां होता है, जो दिल्ली में अपना जो है विद्रोह का शुरुआत करता है। उनके बाद कानपुर में नाना साहब होते हैं और उनके जो कमांडर होते हैं वो तांत्या टोपे होते हैं, है ना, और अजीमुल्लाह खां होता है, ठीक है। उनके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल होती है, ठीक है। उनके बाद हम बात करते हैं झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद बरेली में खान बहादुर और आरा में वीर कुंवर सिंह। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला होते हैं, ठीक है। और ये लोग अपने अपने जगह पे जो है 1857 का विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू कर देते हैं, जिसमें बहादुर शाह जफर और बख्त खां को 20 सितंबर 1857 के दिन दिल्ली को निकोलसन और हाडसन के द्वारा जो है कब्जा कर लिया जाता है 20 सितंबर 1857 को, और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है, रंगून के जेल में उसे भेज दिया जाता है, ठीक है। और बहादुर शाह जफर का मृत्यु 1862 में रंगून में हो जाता है, रंगून म्यांमार में, ठीक है। उसके बाद कानपुर में जो लीड कर रहे होते हैं नाना साहब और तांत्या टोपे, है ना। नाना साहब जो है ये इन्हें जो ऑफिसर दबाता है, इसे जो मतलब इनके भी विरोध में होता है ब्रिटिश ऑफिसर, उसका नाम होता है हैबलॉक और कैंपबेल, इस लड़ाई में जो है नाना साहेब होगा ये, ठीक है। नाना साहेब नेपाल
जो है कूच कर देते हैं, नेपाल चले जाते हैं, है ना। उनके बाद तांत्या टोपे सेंट्रल इंडिया के जंगल में जाके छिप जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सोते हुए जंगल में पकड़ा जाते हैं और वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया जाता है, ठीक है। उनके बाद आते हैं लखनऊ की बेगम हजरत महल, जो लखनऊ में लीड कर रही होती है इस आंदोलन का, इस विद्रोह का, है ना। ये भी नेपाल चली जाती है, ठीक है। नेपाल कुछ कर जाती, नेपाल चली जाती है, एस्केप कर जाती है, ठीक है। और इसे जो दबाया जाता है ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा, उसका नाम है कैंपबेल, ठीक है। उनके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही होती है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, है ना। इसे हौज रूस के द्वारा जो है सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और ये बैटल फील्ड में ही मारी जाती है, ठीक। और बात करते हैं बरेली में, बरेली में जो लीड कर रहे होते हैं वो खान बहादुर, ठीक है। और इसे जो सप्रेस किया जाता है कैंपबेल के द्वारा। आरा आरा में जो है वीर कुंवर सिंह नेतृत्व करते हैं इस आंदोलन का, इस विद्रोह का, और उसे टाइलोर के द्वारा जो है सप्रेस किया जाता है। इस तरह से कई और भी लीडर हैं, कई और भी जो आंदोलनकारी हैं, जो अपने अपने जगहों पे अपने लीड कर रहे होते हैं, जिसमें आरा के जो वीर कुंवर सिंह हैं उसके भाई अमर सिंह भी होते हैं, ठीक है। उनके बाद जो मैंने बताया कि फैज़ाबाद से, ठीक है, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला होते हैं, अहमदुल्ला होते हैं ना। फिर एक बागपत जगह है यूपी में, बागपत यूपी में है ये जगह, ठीक है। यहाँ से एक शाह माल नाम के एक व्यक्ति होते हैं, ये क्या करते हैं कि एक 84 गांवों का जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो 84 गांवों का मुखिया को इकट्ठा करते हैं रात में, अंग्रेज़ों से छिप कर। इकट्ठा करने के बाद उसे 84 देश भी कहते हैं ना, 84 देश कहते हैं, 84 देश भी कहते हैं इस सिस्टम को, ठीक है। 84 हेडमैन को इकट्ठा करते हैं और छिप छिप कर रातों में जाकर, गांव गांव में जाकर लोगों से मिलकर बताते हैं इस आंदोलन के बारे में, ये शाह माल साहब, ठीक है। और ये यमुना के किनारे अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, और यमुना किनारे हेडक्वार्टर बनाने के बाद लोगों को भेज भेज कर दिल्ली में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाई को जारी रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि यह एक बार पकड़ा जाते हैं, ठीक है, ये एक बार पकड़ा जाते हैं 21 जुलाई को, 21 जुलाई 1857 को, ठीक है। 21 जुलाई 1857 को पकड़ा जाते हैं डुनलॉप के द्वारा, ठीक है, डुनलॉप के द्वारा, ठीक है। एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है डुनलॉप, ठीक है, डुनलॉप के द्वारा। और सहामल को पीस पीस में काट दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं हमारे लिए, हमारे इस देश के लिए, ठीक है, अपने आप का कुर्बानी दे दिया, पीस पीस में काट दिया जाता है। काटने के बाद इनके जो हेड है, इसका जो सिर है, उसे सालों भर रखा जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि लोगों में दहशत बना रहे। अब समझिए बातों को कि सहमल के सर को रखा जाता है और लोगों को दिखाया जाता है, याद दिलाता है कि देखो हमारे विरोध, जो लोग हमारा विरोध करेगा, है ना, जो हमारे विरोध आएगा उनके साथ में क्या हश्र करूंगा। ब्रिटिश ऑफिसर, ये ब्रिटिश ऐसा करता है कि उनके सर को रखता है, सालों भर रखता है और सालों भर दिखाता है लोगों को कि देखो जो तुम्हारा नेतृत्व किया था उनके साथ मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये वो लोग हमारे लीडर हैं
जिसने 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना बलिदान दिया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि ये कितना सफल रहा, ये विद्रोह कितना विफल रहा, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक अगर इतिहासकार के अनुसार देखा जाए तो ये विद्रोह जो है विफल भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे सप्रेस कर दिया गया। आपने जहाँ तक देखा कि बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में भेज दिया गया। ठीक है, उनके बाद नाना साहब नेपाल मतलब भाग गए। ठीक है, तांत्या टोपे को मार दिया गया, अजीमुल्ला खां को मार दिया गया, बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, उसके बाद उनका खबर फिर मिला भी नहीं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को बैटलफील्ड में मार दिया गया, उनके बाद खान बहादुर को मार दिया गया, वीर कुंवर सिंह को टाइलर के द्वारा मार दिया गया। पहले तो उनके हाथ काट दिए गए, वीर कुंवर सिंह का एक हाथ पे एक मतलब ब्लीडिंग होती रहती थी 3 दिनों तक, फिर भी वो जिंदा रहे, उनके बाद उनका जो है मृत्यु हो गया। इनके भाई अमर सिंह, इनके जो भी कलीग थे उन लोगों को मार दिया गया। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला को मार दिया गया। शाहमाल के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनके साथ किया गया। ठीक है, फिर इन सब लोगों को दबाने के बाद 1857 की लड़ाई पूरी तरह से सप्रेस हो गया, पूरी तरह से ये ख़त्म हो गया। ख़त्म तो हो गया, लेकिन इसने लोगों के अंदर एक ज्वाला भर दिया। अब लोग ये समझने लगा कि हमें जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है ना कि जो प्लासी की लड़ाई होती है, 1757 में, ठीक है, उनके बाद ये आते हैं रिवोल्ट 1857। इन 100 साल तो हमारे इंडियंस को लगा ही नहीं कि हम गुलाम हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 100 सालों तक, प्लासी से लेके रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, लोगों को इस बात का तो पता ही नहीं चला कि वो गुलाम है। अब देखिए, इन बीच में कई लड़ाइयाँ लड़ा गया। ठीक है, इन बीच में हमें कई लड़ाई लड़ा गया, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया, आम लोगों के अंदर जोश और ज्वाला नहीं भर पाया। लेकिन ये 1857 की लड़ाई के बाद आम लोगों में जोश भर गया, लोगों के अंदर ज्वाला भर गया, और देश के प्रति लोग जान देने के लिए तैयार हो गया। फिर उनके बाद हम आते हैं कि ये लड़ाई का विफल होने का एक और भी कारण है कि जो दिल्ली, अवध, यूपी, जो मेरठ वाले, मेरठ के ही लोग, जो 85 लोगों को डिसमिस कर दिया गया था, है ना, तो ये सारे लोग जो ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे थे, सोल्जर थे, ब्रिटिश आर्मी थे, ठीक है, ये लोग तो ब्रिटिश के खिलाफ आ गए, लेकिन बॉम्बे, मद्रास, इन सब जगहों के जो ब्रिटिश आर्मी थे, जो इंडियन थे, वो लॉयल रहे, ब्रिटिश के क्या है लॉयल रहे। एक तो वो ये रहा। दूसरी बात, इसे जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो इस लड़ाई में साथ नहीं आए। ठीक है, इस लड़ाई को इस तरह से देखा गया कि जैसे कानपुर में नाना साहब, ये देखा गया कि कानपुर में नाना साहब अपने लिए लड़ रहे हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने लिए लड़ रही है, ये देखा गया। उस ज़माने के जो ज़मींदार थे, ठीक है, जो लैंड लॉर्ड थे, वो सब ये देखा कि ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, इसे नेशनलाइज नहीं कर पाया। ठीक है, फिर उनके बाद जो जैसे वीर कुंवर सिंह थे, अब ये लड़ते थे पुराने ज़माने के हथियार से, बहुत सारे लोगों के पास तो मतलब लाठी डंडा हुआ करता था, और उधर से जैसे ये टाइलोर हैं, है ना, इनके पास मॉडर्न वेपन्स हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है हार तो होगी ही, विफल तो होगा ही। अब एक तरफ से लोग लाठी लेके आ रहा है और एक तरफ से लोग तोप लेके आ रहा है,
तो जाहिर सी बात है लाठी लाएगा तब मारेगा, यहाँ 10 किलोमीटर पहले से उड़ा देगा। तो कहाँ से, मतलब जो लड़ाई थी ना, वो लड़ाई भी एक तरह से देख लीजिए तो बराबरी की नहीं थी। अब वीर कुंवर सिंह और टाइलर के बीच में अगर लड़ाई देखा जाए तो वीर कुंवर सिंह एक तरह से मालिक तो बहुत बूढ़े भी हो चुके थे, खैर बूढ़े थे लेकिन जोश में कमी नहीं थी, लेकिन वेपन्स मायने रखता है। अब जो ब्रिटिश के पास था वो मॉडर्न वेपन्स था, और जो इंडियंस के पास था वो तलवार, लाठी, फरसा, इन सब चीज़ों से लड़ रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था इस विद्रोह का असफल होना। ठीक है, उनके बाद एक एक्ट आता है, आपको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक्ट आता है प्रेस इमरजेंसी एक्ट, इसे मिटा देता हूँ उसके बाद लिखता हूँ। एक एक्ट का नाम है प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1857। ठीक है, 1857 एक ये प्रेस इमरजेंसी एक्ट है। ठीक है, ये लगा दिया गया। इससे क्या हुआ कि प्रेस को लिमिटेड कर दिया गया, है ना। जो बातें थी, ये लोग जो लड़ रहे थे, ये बात पूरे देश में फैल ही नहीं पाया। एक लिमिटेड प्रेस पर एक लिमिटेशन लगा रहा। जो टेलीग्राफ आया था उस ज़माने में, है ना, टेलीग्राफ आया था उस पर लिमिटेशन था। आज हम तक जो बहुत जल्दी कोई भी खबर है आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हम तक तुरंत खबर क्यों आ जाती है, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया है, नेशनल मीडिया है, इनके द्वारा, या न्यूज़पेपर है ना। उस ज़माने में टेलीग्राफ था, न्यूज़पेपर था। तो ये एक्ट के तहत जो है वो सारे न्यूज़पेपर और टेलीग्राफ पे एक लिमिटेशन था, वो ये लोग यूज कर ही नहीं सकता था। और जब ये लोग यूज़ नहीं कर सकता था, लोग उन इनके बारे में लिख नहीं सकता था, तो बात फैलती कैसे, बात नेशनलाइज होता कैसे। ठीक है, ये एक कारण था। उनके बाद एक तरह से देखा जाए तो जो लीडर था, मेन लीडर, वो कोई मजबूत भी नहीं था। अगर आप देखिए तो मुगलिया सल्तनत का जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, एक तो इनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, करीबन 80 साल। ठीक है, और मुगल पहले की तरह मजबूत नहीं था, और पहले की तरह मजबूत नहीं था और लीड कर रहे थे। लीडर, मेन लीडर जो है बहादुर शाह जफर को ही चुना गया, तो कहीं ना कहीं एक फेलियर ये भी था। ठीक है, और इसके बाद हम ये बात करते हैं कि इनका प्रभाव क्या पड़ा, ये विद्रोह जो है, इस विद्रोह का हमारे देश पे, हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। इसे मिटा देता हूँ उसके बाद में। चलिए, मैंने लिख दिया क्या क्या इम्पैक्ट रहा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 है, इसे पास किया गया। ठीक है, ये भारत आया, जिसके तहत जो पावर था, अब तक जो है आपको जैसे पता होगा, और आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने जिक्र किया है ना, प्लासी का जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757, ये कौन लड़ा, किसके द्वारा लड़ा गया, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले जो हिंदुस्तान अंग्रेज़ आया वो यहाँ पे राज करने के लिए नहीं आया, वो आया क्या करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी उसने बनाया।
और ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाने के बाद उसने क्या किया, वो धीरे धीरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। ठीक, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा कर क्या किया, बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर बंगाल पर कब्जा करने के बाद हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैटर में घुसने लगा। ठीक है, तो जो पहले पॉलिटिकल मैटर जो संभाल रहा था हिंदुस्तान का, वो एक कंपनी संभाल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं था, वो एक कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, तो अब तक जो 1857 तक लड़ाई चलता रहा, वो हिंदुस्तान के लीडर, हिंदुस्तान के रूलर, चाहे वो किसी प्रोविंस का हो या पूरे हिंदुस्तान का हो, है ना, वो उसकी लड़ाई जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से थी। टीपू सुल्तान लड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी से, बंगाल का नवाब लड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी से, है ना, उनके बाद अवध का नवाब लड़ा, है ना, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, है ना, बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ा गया। ठीक है, तो किससे लड़ा, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही तो लड़ा, है ना, बैटल ऑफ बक्सर, आपका शाह आलम सेकेंड। ठीक है, तीन लोग था इधर से हिंदुस्तान के तरफ से, मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, शुजा दौला नवाब ऑफ अवध वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब तक तो लड़ाई जो लड़ी जा रही थी वो किससे लड़ता था लोग, ये लोग जो भी रूलर था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहा था। यहाँ पे हिंदुस्तान पे 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया है। ठीक है, तो जो पावर है अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के पास चले गया। जो महारानी थी, वो ब्रिटेन की जो महारानी थी, वो महारानी के पास अब पावर चले गया। ठीक है, मतलब अब जो संभालेगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हिंदुस्तान के बागडोर संभालेगा। ठीक है, पार्लियामेंट संभालेगा। ठीक है, अब जो भी 1857 के बाद, जो भी मतलब 58 के दरमियान, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा बागडोर हिंदुस्तान का संभालेगा। ठीक है, उनके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, अब वो वाइसराय ऑफ इंडिया हो गया। अच्छा देखिए, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया, इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो था ही, उस पर ऐड कर दिया, उसी को वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया, है ना, ख़त्म नहीं किया गया, इस पोस्ट को ख़त्म नहीं किया गया। ऐसा कभी कभी लगता है कि इसे एलिमिनेट करके वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसमें एक पोस्ट को और ऐड करके वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पहला वाइसराय ऑफ इंडिया बना लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उनके बाद फिर इस बात का जो क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन था उसमें ये था कि नो मोर कॉन्क्वेस्ट, है ना, अब और ज़्यादा एनेक्सेशन नहीं करना है, जितना हम लोगों ने भारत पे कब्जा कर लिया इनफ है, अब इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो बनाया गया था ये सिस्टम, इसको क्या किया, एवॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं हम, नो इंटरफ्रेंस इन कस्टम एंड रिलीजन मैटर। और ये कहा गया कि जो भारतीय कस्टम है, रीति रिवाज है और धार्मिक मामला है, उनमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे ये जो है
1857 के विद्रोह का ये प्रभाव रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग पूरा समझ गए होंगे, और जो मैंने इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया था वो देख लें और इसे देख लें, दोनों को कोरिलेट करें, आप लोग अच्छे से 1857 को समझ पाएंगे। ठीक, यहाँ से क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।